में हो गए। अर्जुन वही वास्ता दे रहा है। प्रथम मैं तेरा शिष्य हूं, गुरु वशिष्ठ बालकाल 5 वर्ष की आयु भगवान राम की पहला ही पाठ, हे राम मानव अपूरन है, पूरन तो केवल वह परमात्मा है, गुरु विशिष्ट जिनकी नियुक्ति ब्रह्मा ने की हुई है। क्या कहा हुआ है? परम पावन परम पवित्र हैं, निर्मल हैं, निर्दोष हैं, इसीलिए भगवान के गुरु हैं। परंतु गुरु विशिष्ट क्या कहते हैं? 5 वर्ष की आयु बाल रूप में श्री रघुनाथ जी गुरुकुल में प्रवेश किया अपने भाइयों सहित। हे राम आप सबसे बड़े हों। अब गुरु की पहली शिक्षा, आप तीनों लोकों को जानने वाले हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव आप जानते हैं, कुछ नहीं छिपा आपसे। यहां गुरुकुल में मेरे में गुरुकुल में जो जो अच्छा है केवल उसको आप ग्रहण करेंगे, उसको सीख लेंगे। जो जो कमी है न्यूनता है उसको आप कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। होवे कभी ना स्वामी द्रोही। स्वामी की कमी को देखकर उसके साथ द्रोह नहीं करना रामायण सिखाती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में इसका स्वामी प्रकरण में वर्णन किया हुआ है। कोई भी भेद की बात स्वामी की शिष्य को कदापि अपनी जुबा पर नहीं लेके आनी होगी। गुरु महाराज ने इसको पूर्ण रूप से वर्णन किया हुआ है, गुरु और शिष्य का संबंध। मैं तेरा शिष्य हूं, तेरी शरण में अर्पित हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। बाल काल में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी वर्तमान में कर्तव्य कर्म करते हुए मानव चकरा जाता है कि मुझे क्या करना है, सब कुछ जानता हुआ भी अपने मनोभाव और शास्त्र के द्वारा दिया ज्ञान इनको एकाकार करने में उसके कठिनाई, एक तो लोक लाज की, अध्यात्मवाद में परलोक की। कोई कार्य ना करने का 2 कारण, लोक क्या कहेंगे, अध्यात्मवाद में मेरा परलोक क्या होगा। वहां पर मेरी बदनामी होगी अथवा कष्ट होगा। इन्हीं 2 कारणों से मानव अपने कर्तव्य कर्म का त्याग कर देते हैं और जो उनके लिए घातक सिद्ध होता है उनकी आत्मा के लिए। हे भगवान
मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए, धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं से रहित, धन धान्य संपन्न राज्य पाकर और देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्या में निश्चय मैं ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरी मानस, मेरी इस मानस चिंता को दूर कर सके। अब अर्जुन अपनी मानस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, मन की अवस्था। अपने गुरुजनों को मारकर निस्संदेह देवी देवताओं में भी प्रशंसा होगी अगर कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं और इस धरती पर राजपाट प्राप्त करके ऐश्वर्या का सुखमय जीवन। मानव सभी समझते हैं कि धन प्राप्त हो जावे, महल माड़ियां प्राप्त हो जावे, अपार संपत्ति प्राप्त हो जावे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अर्जुन को यह सब कुछ प्राप्त होंगी लेकिन वह इससे भी दुखी हो रहे हैं क्योंकि अपनों का वध करना होगा। अब भगवान से इस व्यथा को बताते हुए अर्जुन प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे निश्चित सन्मार्ग बतावे। गुरु बताता है, मित्र बताता है, क्या उचित क्या अनुचित। भगवान तो समझा रहे हैं अगर तू लोगों की बातों को सुनेगा, अगर इस बात से डर रहा है इस लोक में मैं मिश्रित भोगों को भोगूंगा, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मुझे धिक्कारेंगे कि तूने अपने गुरुजनों को मारा है, तब ये महल माड़ियां ये राजपाट प्राप्त किया है, उनके ताने मेने वह भीतर छलनी कर देवेंगे। इनको मैं जीत सकता हूं परंतु लोग क्या कहेंगे। तब भगवान ने कहा, लोगों के मुंह को तो लगाम नहीं लगाई जा सकती परंतु अपने कर्तव्य से वे मुख होकर के अपनी आत्मा को तुम स्वयं अधोगति को ले जाओगे। अब क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, पुत्र का धर्म पिता का मान सम्मान करना। अब इस प्रकार यहां पर आकर आठवें श्लोक तक
इसको स्मरण रखना। जो अर्जुन की व्यथा है, अर्जुन के भाव हैं, ये हमारे जीवन में समय समय पर इसका सामना करना होता है। दो पुत्र हैं, विभाजन करना है। अगर अब भेदभाव कर लिया जावे, अपना ही धन है, बंटवारा करना है। अब अगर भेदभाव कर लिया जावे, एक को कम दूसरे को अधिक, मोहवश जो भी कार्य मोहवश होगा, ईर्ष्या अथवा द्वेष के वश कार्य होगा, वह निश्चित रूप से भयकारी हो जावेगा। ये पाप कर्म के अंतर्गत हो जावेगा। मोह का त्याग करके व्यवहारिक जीवन में और ईर्ष्या का त्याग करके जो निर्णय करना पड़े, कितना भी कठोर क्यों ना होवे, मन के अनुकूल ना होगा, मन करता है ऐसा कर दूं, परंतु अपनी आत्मा को अधोगति को नहीं लेके जाना, ये साधक का पहला कर्तव्य कर्म है। अगर आत्मा को उसकी हानि करने के, वह तो मरेगा नहीं, आत्मा ना मरता है ना जी जन्म लेता है, ना आग जलाती है, ना शस्त्र काटते हैं, परंतु आत्मा को अधोगति को ले जाने का कारण मानव के कर्म है। और कर्म इतने पाचीदा हैं, इनकी गति इतनी गहरी है, इनको समझ लेना वास्तव में मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर सूक्ष्म भाव में मानव जानता है कि क्या उचित है, क्या